रविवार को मुंगेर का सदर अस्पताल तब अखाड़ा बन गया जब एक विधायक और एक डॉक्टर के बीच घमासान हो गया। घमासान इस बात का क्योंकि विधायक साहब को ये पसंद नहीं आया कि किसी डॉक्टर ने उनका नाम जानने में रुचि नहीं रखी, साथ में उनके जो मरीज थे, जो जान पहचान के मरीज थे, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका इलाज नहीं किया गया। दरअसल ये पूरा मामला मुंगेर से सामने आ रहा है, जहाँ पे एक भाजपा विधायक प्रणय कुमार की भिड़न डॉक्टर शानू से हो गई और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो तो आपको दिखाएंगे ही, पहले आप पूरा मामला जान लीजिए। आपको बता दें, जो मरीज था वो न्यूरो का पेशेंट था, जिसकी वजह से उसकी इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में हो रही थी, लेकिन कुमार शानू जो कि डॉक्टर थे उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया। जब रेफ़र किया तो परिजनों ने बोला कि डॉक्टर साहब आप पहले हमारे जो जान पहचान के विधायक हैं उनसे बात कर लीजिए। तो इस पर कुमार शानू का कहना था कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ किसी विधायक से बात करने के लिए, साथ ही मैंने आपको रेफ़र कर दिया है, आप रेफ़र किए हुए जगह पर जाइए और इलाज करवाइए। ये कहते हुए डॉक्टर शानू वहाँ से चले गए, लेकिन परिजन वहाँ से चले तो गए, लेकिन कुछ देर बाद विधायक साहब अपने मूड में आ गए और मूड में आते ही वो सीधा इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुँचे, निकले और डॉक्टर शानू का गला पकड़ लिया, साथ में गाली गलौज तक दे दिया। और ये पूरा वारदात जो है मुंगेर सदर अस्पताल का है, जहाँ पर एक विधायक और डॉक्टर के बीच घमासान हो गया, जहाँ एक तरफ डॉक्टर साहब का कहना था कि विधायक साहब ने हमें गाली गलौज की है, हमारे साथ बदसलूकी की है और हमारे साथ बदतमीजी कही है, वहीं दूसरी तरफ जो विधायक है उनका ये कहना था कि हमें पूरा हक है जानने का कि पेशेंट्स को क्या दिक्कत थी और साथ में क्या समस्या आ रही थी जिसकी वजह से उनको रेफर किया गया। और क्या कुछ कह रहे हैं विधायक साहब, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बताते हैं कि तो लड़का मेरा है, यंग है तो छोड़ दीजिए, यंग तो मतलब किस बात की है। पेशेंट कौन के पास तक है, परेशान रहता है, तुमने इनको आना पड़ता है। लगाओ पैसा ना ना बिराई जी, आगे बताइए क्या हुआ था, क्या मामला है। मामला यही है कि यहाँ डॉक्टर शानू ड्यूटी सर, आप सही बात बोलिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, तो सुनिए किस तरीके से प्रणय कुमार ने बताया कि क्या कुछ उनका कहना था। उनका कहना ये था कि हमें ये जानने का बिल्कुल हक है कि हमारे जो मरीज़ हैं उनको क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से उनको रेफ़र किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं बताया और हम पे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो बेबुनियाद है। अब देखना होगा कि ये सदर अस्पताल का जो किस्सा है वो क्या आगे कुछ रंग लाएगा। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVE TV देख रहे हैं। धन्यवाद। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।